आओ सब लोग को लेके चलते हैं इन खूबसूरत वादियों में जो है सुंदर हम लोग का मेघालय, जो क्लाउडों का शहर मेघालय में है। एक सुंदर सा वाटरफॉल, एक यूनिक वाटरफॉल जिसको हम लोग करने वाले आज एक्सप्लोर। ये वाटरफॉल कंप्लीट न्यू और वर्जिन है, जो अभी तक हुआ नहीं है एक्सप्लोर, जो यहाँ का सिर्फ लोकल लोग ही जानते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे किस रास्ते से होके गए, किससे जाना है, सब कुछ जानने के लिए तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। सुबह 3:44 को ही मैं रेडी हो गया राइड पे जाने के लिए। तो पहले तो मैंने अपना जो डॉगी है उसको छोड़ा अपने माँ के पास दिन भर संभालने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं रहने वाले हैं। तो पहले मैंने निकाला बाइक मेरा और मीनाक्षी का। आज हम लोग के साथ मेरे साथ मीनाक्षी भी जाने वाली है। और दो को राइडर जाने वाला है, वो है ध्रुव और ये रहा त्रिविक्रम लेट लड़िए। आज का सफ़र होने वाला था लंबा, तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी जल्दी राइड स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू योर आवर टाइम शेड्यूल। तो हम लोग पहुंच गए शंकरदेव कला क्षेत्र, जो है उसका आज हम लोग का मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर हम लोग सारे राइडर्स मिलने वाले थे। ध्रुव भी अपने टाइम के हिसाब से पहुंच गया जल्दी जल्दी, लेकिन हम लोग का लेट लतीफ त्रिविक्रम नहीं पहुंचा टाइम पे। तो इसके इंतज़ार में हम लोग ने बहुत सारा कॉल किया उसको, मीनाक्षी भी बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाया ध्रुव से, ध्रुव एक अच्छा फोटोग्राफर है तो उससे भी बहुत सारा फ़ोटो खिंचवा लिया। तो रुकते रुकते बहुत देर के बाद हम लोग का लेट लतीफ त्रिविक्रम आया आफ्टर 40 मिनट्स। सोचिए 40 मिनट्स के बाद क्या होने वाला है हम लोग का, पसीने से हम लोग लटपेट हो चुके थे, गर्मी का दिन था। तो आया त्रिविक्रम, फिर उसके बाद हम लोग निकले अपने सफर में आगे की ओर। अभी ले रहे हम लोग टी ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है पूरी। और वेदांता तो लेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि उसको अभी एप्स बनाना है, एप्स बनाने में लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा तो राइजिंग कर रहा है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग राइस के साथ चिकन खा के आया 4:30 और अंडा भी लेके आया है, अभी अंडा खाएगा। हमने बोला पूरी भी खाएंगे अंडा भी खाएंगे, लेकिन उसको खाली अंडा खाना। चले किसी का अंडा मैं खाऊंगा अभी, और ये लोग खा रहे पूरी सुबह सुबह पूरी और सब्जी। ये तो टूट पड़ा है और ये खाएगा लेट कुमार। मस्ती मजाक और टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े शिलोंग की ओर। तो पहुंच गए हम लोग ये उमियम लेक, यहाँ से राइट ले लेंगे। और देखिए ये उमियम लेक बहुत सुंदर लेक है ये मेघालय का, और सब लोग यहाँ पे आकर मस्ती कर रहा है, फोटो वोटो खींच रहा है, इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, बहुत मस्त सुबह सुबह का। अभी यहाँ से लेना पड़ेगा राइट टर्न छोड़ा की ओर, सेरापुंजी जाने का रास्ता ये है शिलोंग कैंट, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। त्रिविक्रम और मीनाक्षी फिलहाल तक पहुँचे नहीं है। हाँ चलिए रुकते हैं। मीनाक्षी और त्रिविक्रम आने के बाद हम लोग ने अपना जर्नी कंटिन्यू किया, सारो निकल पड़े इन सुंदर सुंदर नज़ारों का मजा लेते हुए आगे की ओर। निकल चले हम लोग सेरापुंजी की ओर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हम लोग गाइड को मिलना था, ये है मौरा जाने का रास्ता। तो लास्ट टाइम मैं गया था इसी रास्ते से होके विस्लिंग विलेज की तरफ, कंगथंग विलेज, तो यही रास्ता था जहाँ पे मैंने किया था एक रूट ब्रिज को एक्सप्लोर। तो मेघालय का हाईएस्ट रूट ब्रिज है। तो अभी गाइड यहाँ पे है, वो साई पी रहा है, उसको मिलाते हैं, फिर वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग जो आज का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हम लोग का लेंस सेरियन। हम लोग का गाइड आ चुका है अभी तिशु खांगसित। सो इसके साथ लास्ट टाइम किया था वो वाला ट्रैक, मस्त आया था। तो आज भी जाए जाएंगे ना। ये जगह का नाम क्या है, व्हाट्स द प्लेस नेम? मोरिंडिया। हुआ तो व्हिच वे वी हैव टू गो? दिस स्ट्रेट। ओके, हाउ फार फ्रॉम हियर? 25 किलोमीटर। क्वाइट फार। सो टुवर्ड्स सोहरा। टुवर्ड्स सोहरा की तरफ चलो। सो अभी हम लोगों को जाना है छोरा की ओर। तो हो रहा गाइड हम लोग का आगे उनको उसको फॉलो करना है अभी हम लोग का डेस्टिनेशन की ओर। देखिए लाइनअप क्या मस्त लगता है ना, ये लाइनअप।
तो सीधा आते आते हम लोग ने ले लिया गार्डन ऑफ केव्स की तरफ। ये वाला रास्ता आगे जाने से मिलेगा सोहरा चेरापूंजी, और ये वाला रास्ता लेके जाएगा गार्डन ऑफ केव्स की तरफ। लेकिन हम लोग का मंजिल गार्डन ऑफ केव्स नहीं, कुछ और है जो मैं आप लोगों को शुरू में दिखा चुका हूँ। वो वाला नेचुरल पूल और वाटरफॉल को करेंगे एक्सप्लोर, जो है कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड। ये रहा गांव, वो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब धीरे धीरे मस्ती लेके आ रहे हैं। सो ये है गार्डन ऑफ केव्स का एंट्री गेट। ये हमें टिकट काउंटर, ये पार्किंग एरिया। तो इस तरफ आते हैं तो ये वाला जगह ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल है छोटा छोटा, और बहुत सारा केव आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग का मंजिल आज कुछ और है। जैसे मैंने बताया, सामने एक लेक है सुंदर सा, ऊपर से दिखाई दे रहा था मस्त। तो यहाँ पे कर लिया बाइक पार्क हम लोग ने, पार्किंग एरिया ये है। तो गार्डन केव से थोड़ा सा आगे आके ही हम लोग को ये दिखने मिलेगा माउदोंगोंग पार्क। तो यहाँ से हम लोग को जाना है अंदर की तरफ, तो यहीं पे होगा, यहीं से होकर ट्रैक करना पड़ेगा। 40 मिनट्स का ट्रैक है जिसे हम लोग को गाइड ने बताया है। ये रहा मीनाक्षी शेषाद्री, नहीं मीनाक्षी दास। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है हम लोग का, और मीनाक्षी को देखिए ऐसा लग रहा है बाथरूम से निकल के आया है, अभी टॉवल लेके जा रही है ट्रैक में। नहाने जा रही हूँ। इतना पास नहीं है बाथरूम जो तुम नहाने जा रहे हो, इतना दूर से टॉवल लेके क्या। चलो चलो। सो यहाँ पे व्यू पॉइंट, तो शुरू होता है हम लोग का ट्रैकिंग यहाँ से, एक मुश्किलों का सफ़र ये, क्योंकि ये ट्रैकिंग कम्प्लीटली अनइवन है, पूरी रॉ ट्रैक है। ट्रैक यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल ना की बराबर। यहाँ पे हम लोगों को कुछ लोकल यहाँ का टूरिस्ट लोग ने अभी ज्वाइन किया, गाइड का उन लोग फ्रेंड था, तो यहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है, तो ये एरो मार्क फॉलो करके भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन ये ट्रैक है बहुत मुसीबतों से भरा हुआ। तो ध्रुवो का पाँव में इंजरी है, बहुत पुराना इंजरी है, जिस वजह से ये ट्रैक उसके लिए थोड़ा सा होने वाला है चैलेंजिंग वाला। और ये देखिए लोकल्स यहाँ का, तो हम लोग के साथ आज कंपनी कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन। ये रहा वाटरफॉल और नीचे नेचुरल पूल। अब पास जाते हैं, वहां से दिखाते हैं ट्रैक करके जाने का रास्ता। इस तरीके से है, कुछ इस टाइप का है। See it through. Flying.
सो गाइस हम लोग आगे वापस अभी करने वाले हैं। ये मीनाक्षी बाल खुलती हुई खुला हुआ और ये रहा हम लोग का पेट पूजा लंच। ये बिजी ध्रुवो मोबाइल में, ये थी विक्रम और हम लोग का गाइड। बहुत मस्त आया, तो बोलो आज के बारे में, आज की वीडियो के बारे में। बहुत मजेदार था एक्चुअली। ट्रैक कम टाइम का था, 40 मिनट्स का है, लेकिन अनइवन ट्रैक है। जिनको रॉ ट्रैकिंग पसंद है वो लोग आ सकते हैं, और नी पेन जिनको है वो नहीं आ सकते। लेकिन जो व्यू है अल्टीमेट, यू कैन स्विम, यू कैन रिलैक्स, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, जस्ट चिल। एक यूनिक वाटरफॉल था ना, यूनिक वाटरफॉल विद नेचुरल क्रिस्टल क्लियर वाटर। हाँ, और नेचुरल पूल, वो भी बारिश के सीजन में इतना क्रिस्टल, इतना क्लीन पानी, बहुत मजा आया। तो अभी इन नज़ारों का मजा लेते हुए हम लोग खाना खाएंगे। अभी ये खाना ध्रुव टूट पड़ा है, मीनाक्षी आज नहीं टूट पड़ी है, ये ध्रुव टूट पड़ा है। तो खाते हैं, पोर्क खा लिया इसने, ये खाएगा फिश, ये और हम लोग खा रहे पोर्क। आप लोग आइए, इस वाटरफॉल का मजा लीजिए, इस ट्रैक का मजा लीजिए। छोटा छोटा ट्रैक बहुत सारा है मेघालय में, तो ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत वायरल हुआ है इसका ये रील, ये वीडियो, तो हम लोग भी पागल हो गए इसको देखने के लिए, इसीलिए आया आज। दिलन क्या करना है, साथ नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब लोग यहाँ आइए, घूमने आइए, ट्रैक करिए। अगर गाइड का नंबर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वो हम लोग का रहा गाइड, वो आपको हेल्प कर देगा यहाँ तक आने के लिए। यस, चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।